कोरोना वायरस का कहर अब किसानों की फसल पे भी पड़ने लगा है। किसानों की मटर की फसल लॉकडाउन के कारण तबाह होने लगी है। हालांकि इस बार मटर की बंपर फसल थी, मगर लॉकडाउन होते ही मार्केट ना मिलने से किसानों की फसल खेतों में ही सड़ने लगी है। लॉकडाउन के कारण किसानों के पास बाहर से कोई भी व्यापारी मटर की फसल खरीदने नहीं पहुंच रहा है। ऊपरी क्षेत्र से सब्जी मंडी भी बंद हो गई है। वहीं गाड़ी वाले भी फसल की ढुलाई करने से मना कर रहे हैं। चारों ओर सबको कोरोना वायरस का डर सता रहा है, जिसके चलते किसानों को मटर की फसल तबाह होने से भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। वहीं कुछ किसानों का कहना है कि उन्होंने लीज पर जमीन लेकर मटर की फसल तैयार की थी, जिन्हें अब लीज मनी भरने में भी परेशानी हो रही है। किसान ये सोचने पर विवश है कि करे तो क्या करे। सरकार की ओर से ऐसे किसानों के लिए किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता का भरोसा नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि मजबूरन अब किसान खराब हुई मटर की फसल को उजाड़ कर टमाटर की फसल बोने की तैयारी में जुट गया है, ताकि आने वाले कल को उसी जगह पर फसल तैयार की जा सके। हमने मटर की फसल बीजी थी, हमारे यहाँ बहुत किसानों ने जो फसल लगाई थी, फसल हमारी जो है पकने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन जैसे ही फसल तैयार हुई तो यहाँ कोरोना की मार पड़ गई, और कोरोना की वजह से जो यहाँ बाहर से व्यापारी नहीं आ सके, जिसकी वजह से हम जो है मटर जो है नहीं बेच सके अपने, और हमारा जो है भारी नुकसान हुआ है। फसल जो है हमारी मटर की फसल ख़राब हो गई, और वो खेतों में ही जो है सड़ना शुरू हो गए, क्योंकि व्यापारी जो है बोल रहे हैं भी कि हमें बाहर जो है हमारे मटर भी नहीं बिक रहे हैं, जिसकी वजह से हम ले जाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे। इसकी सबसे बड़ी मार जो है हम किसानों को पड़ी है, और इसके बाद हम इन खेतों में अब टमाटर की फसल तैयार कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो हम गरीब लोगों के साथ कि ये मटर की फसल भी हमारी जो है ख़राब हो जाए, टमाटर की फसल, तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ अधिक ज़मीन जो है किराए पर ली हुई है। मैंने भी यहाँ किराए पर ज़मीन ली हुई है, वहाँ मटर लगाए थे, अब टमाटर की फसल तैयार कर रहा हूँ और मटर तो ख़राब हो गए। मेरी सरकार से गुजारिश है, प्रशासन से गुजारिश है कि हमारे बारे में गरीबों के किसान गरीब किसानों के बारे में कुछ ना कुछ सोचा जाए, या तो कोई मुआवजे की प्रावधान हो तो किसानों को कुछ राहत दी जाए, जिससे कि किसानों की ये फसल की भरपाई हो जाए, और जिससे किसान जो है अपनी रोजी रोटी का गुजारा कर सके। इसके लिए मैं प्रशासन से और सरकार से फिर से कि किसानों की इस दर्द भरी दास्ता को सुनते हुए हमारी सहायता करें। धन्यवाद।